तो भाई यहाँ पर जो मेरे हाथ में है वो है भाई आईटेल का A60। और भाई ये जो सेगमेंट है ना अंडर 6000, उसमें ये पहला फोन कह सकते हो जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी, 6.6 इंच का डिस्प्ले और साथ में आएगा यहाँ पर डुअल सिक्योरिटी फीचर, जहां पर ये फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकता है और साथ में फेस रिकग्निशन भी ले सकता है। और अंडर 6000 में ये जो फीचर है ना कोई जल्दी ऑफर नहीं करता। सो यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर या फिर इस कैटेगरी के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छे प्रीमियम फीचर दे रहा है। और बाकी अदर चीजें हम लोग चलो निकाल के देख लेते हैं। मैं इसे यूज कर रहा था वैसे 2 दिनों से, और उसके बाद चीजें समझ के हम लोग देखें कैसा है। और इसके नीचे अंदर आता है एक ट्रांसपेरेंट अच्छी क्वालिटी का कवर का, सिलिकॉन वाला नहीं है, प्लास्टिक ही वाला आता है जिसकी क्वालिटी अच्छी आती है। बाकी यहाँ पर कुछ पेपर वर्क, सिम इजेक्टर टूल और ये एक आईटेल का चार्जर आता है इसके अंदर, यहाँ पर ब्रांडिंग है। और इसमें साइड की तरफ इसका टाइप ए पोर्ट आता है, 5 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता है और एक टाइप ए टू माइक्रो चार्जिंग केबल मिलती है। 2 फीट तक की तो केबल होगी, 2.25 फीट तक की केबल होगी। जो ही सेम की हाईलाइट चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है, 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले है, 2GB 32GB की स्टोरेज है और 128 तक एक्सपांड कर सकते हो और 5000 mAh की बैटरी आती है। और बाकी कैमरा सेटअप देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले से निकाल लेते हैं। और इस पर है ना पहले से ही यहाँ पर प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगकर आता है, एक प्लास्टिक की बैक है बेसिकली, जो कि अच्छी क्वालिटी का कहूंगा। यहाँ पर भी डिजाइनिंग अच्छी है और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इस तरफ आता है। और अगर देखोगे ना ध्यान से तो इसके मॉड्यूल ऐसे लगेंगे बड़े बड़े से आते हैं, जो ओवरऑल डिजाइनिंग में अच्छा है। साइड में भी हमें बॉक्सी डिजाइन मिलता है, वॉल्यूम प्लस माइनस, लॉक बटन, ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक का पोर्ट है, यानी कि ईयरफोन लगा सकते हो, 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड, तो ये भी यहाँ पर अच्छा किया इन्होंने। और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट है और तरफ आता है अपना माइक। 6000 रुपीज के हिसाब से फोन की जो फीलिंग है भाई वो मैं कहूंगा अच्छी निकल कर आती है। तो वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा मिलता है और अगर इसका वेट चेक करोगे तो यहाँ पर 191 ग्राम है और कवर लगाते हो तो यहाँ पर ये तकरीबन 205 ग्राम है। और अगर इसमें मैं कवर लगा के भी देख लू ना तो भाई फीलिंग अच्छी है। और ये कवर है ना जो सिलिकॉन वाले कवर आते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, उससे ज्यादा बेटर कवर ये आता है, क्योंकि वो वाले ना क्या होता है बेसिकली ना कुछ टाइम के बाद में येलो पड़ना चालू हो जाते हैं और इनमें ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और अगर इसको मैं गिरा के भी देख लूँ तो इसका जो कवर है ट्रांसपेरेंट वाला जो ये प्लास्टिक ही वाले, ये टूटेगा भी नहीं मेरे हिसाब से। चारों एजेस भी यहाँ पर इसने कवर करके रखे हैं और अगर मैं स्क्रीन से गिरा हूँ ऑलमोस्ट 2.5 फीट की हाइट से तो भी परफेक्ट है। और जो मेरे पास ये कलर है सफायर ब्लैक आता है और इसके ना और 2 कलर आपको देखने मिल जाएंगे। और हाँ, अगर ऐसी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ ऐसे चीजें आपको रिक्वायरमेंट रहती है ना कोई वीडियो टॉपिक अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और ये वीडियो आपको जैसी भी लगेगी उसके बारे में अपना फीडबैक दे देना, क्योंकि स्टार्ट के कमेंट्स को मस्त में हार्ट भी दूंगा तो फटाफट कमेंट कर लेना। तुमको वो UniSoC क्वाड कोर प्रोसेसर आता है और 2GB की रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये यहाँ पर ये है। तो अगर मैंने इसके ना कुछ ऐसे एंटीडो बेंचमार्क स्कोर निकाले हैं वो आप लोग स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस फोन के अंदर है ना पहले से एंड्रॉइड 12 आता है और ये गो एडिशन पे चलता है बेसिकली, थोड़ा सा लाइटर करके मस्त में आपका फ्लूइड एक्सपीरियंस दे दिए। ये 6000 7000 या फिर कह सकते हो अंडर 10000 के हिसाब से ये OS एक अच्छी तरीके से काम करता है। और इसको अगर देखोगे तो कुछ यहाँ पर UI कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, जहां पर कुछ जो पहले से प्री लोड एप्लीकेशन है वो भी मिल जाएगी, जैसे कि स्नैपचैट हो गया। और इनका है ना पहले से ये स्टोर आता है पाम स्टोर, जिस पर है ना आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी देता है। तो आपको अगर नहीं चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको होल्ड करना है बस और यहाँ पर टर्न ऑफ नोटिफिकेशन में जाके ये ऑफ कर देना है, तो अभी यहाँ से नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कुछ काम की चीजें नहीं है जैसे कि स्नैपचैट आपको नहीं चाहिए तो उसको बस होल्ड करना है और अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। और ये सिंगल बैंड वाईफाई पर आता है, मतलब 2.4 GHz पर ये कनेक्ट होगा, 5 GHz का बैंड यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये ना एक 4G फोन है, ब्लूटूथ 5.0 आता है यहाँ पर। बाकी जैसे यहाँ पर स्क्रोलिंग वगैरह चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस निकल कर आएगा। और अभी यहाँ पर सबसे पहले फेस अनलॉक एड ऑन कर लेते हैं, हो गया बस डन। और ये रहा फिंगरप्रिंट और बस बैक साइड जाना है और बस एक बार हटाना है और एड ऑन करना है, ऐसे ही रखना है। अगर थोड़ा बॉटम एरिया भी देना है तो वो भी कर सकते हो। ओके डन। तो देखो अभी फोन लॉक्ड है ना, अभी मैं अगर इस पर एड ऑन कर दिया हो गया अनलॉक, फिर से लॉक है और यहाँ पर हो गया। बाकी अगर टाइपिंग करोगे तो जो फीडबैक आएगा वो आपको वाइब्रेशन वाला मिलेगा। बाकी देखो एक चीज ध्यान रखना कि 6000 रुपीज के हिसाब से जो स्पीड है ना वो आपको डिसेंट मिल जाएगी, आपके नॉर्मल टास्क आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो, ऐप ओपनिंग वगैरह वो आप ठीक ठाक तरीके से कर सकते हो। जैसे 2GB रैम यहाँ पर है
तो अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो यहाँ पर अभी मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन ओपन करके रखी हुई है। तो अभी ये यूट्यूब पे कंटेंट है, इसकी सेटिंग पे जाते हैं और इसकी क्वालिटी में अगर जाके देखोगे तो वैसे HDR वाला कंटेंट है, बट ये HDR में नहीं चलेगा। मैक्स आप 1080p 60fps में चला सकते हो, जो इस प्राइस ब्रैकेट पे एक बार ठीक निकल कर आता है। बाकी इस फोन पर 6.6 इंचेस की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 60Hz पर ये रन करेगी और यहाँ पर आपको 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा। और इस फोन पर आपको ना 1 साल का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, जो इस सेगमेंट के अंदर एक्चुअली कोई ऑफर नहीं कर रहा। सिंगल स्पीकर आते हैं, यहाँ पर मैं अगर वॉल्यूम कर दूं फुल तो बॉटम 5 स्पीकर है जो अपने प्राइस के हिसाब से सही काम कर रहा है। और ऐसे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है उसको अगर किल करना है, रैम अगर फ्री करना है तो ये यूज़ कर सकते हो, इनका क्लीनर आता है एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट। तो पबजी मैंने ओपन करने का ट्राई तो किया बट वो उतना नहीं चल पाता है, लेकिन बाकी जो सबवे सफर, टेंपल रन, कैंडी क्रश ऐसे जो गेम है ना वो आप इसके अंदर अच्छे से चला सकते हो। जैसे सबवे सफर यहाँ पर हमने डाला है और जो ऐप ओपनिंग लोड स्पीड है वो भी यहाँ पर आप रियल टाइम पे चेक कर सकते हो। अनकट रखूंगा ताकि एक आइडिया लग जाए। अब जैसे यहाँ पर ये लोडिंग एक्सपीरियंस हो गया कैसे निकल कर आएगा, तो देखो एट दी एंड इतना है कि 6000 रुपीज में आप अपना नॉर्मल कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर आपने किसी बच्चे लोग को अगर फोन दे रहा है तो उनके लिए ये फोन सही रहेगा। तो जैसे कि आजकल किसी को ऑनलाइन क्लासेस हो गया या फिर कुछ और, मतलब YouTube वगैरह देख के जो बोला ना ऐसा नॉलेज गेन करने वाला पार्ट आता है, तब आप इस फोन को यूज में कर सकते हो अगर आपका प्राइस यहाँ पर जिसमें 6000 रुपीज के आसपास आता है। बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो लोड हो चुका है और यहाँ पर टैप टू प्ले कर देते हैं और यहाँ पर मैं जंपिंग कर सकता हूँ। थोड़े से माइनर जिटर मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ 60 चलेगा, थोड़े माइनर जिटर आएंगे ताकि यहाँ पर आप जो आपको एक्सपीरियंस रहेगा ओवरऑल यहाँ पर प्लेबल रहेगा। मतलब नॉर्मल कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है तो वो आप इस फोन के अंदर कर पाओगे डिसेंट तरीके से। बाकी इस पर मेन 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और जो सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल पर है। बाकी यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल हम लोग लेके देखे हैं तो जो ऑलमोस्ट इस प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट सा आउटपुट आपको देखने मिल जाएगा मेन कैमरा से, और वहीं सेल्फी कैमरा भी आपको 5 मेगापिक्सल के हिसाब से थोड़ी बहुत ठीक देखने मिल जाएगी। और 1080p 30fps पर आप मेन कैमरा से शूट कर सकते हो और जो सेल्फी कैमरा है वहां पर आप 720p पर एट 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और वैसे हाँ एक चीज, जो अपने ऋतिक रोशन भैया है ना वो अभी आईटेल के ब्रांड एम्बेसडर है भाई, मतलब यहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और अभी तक है ना आईटेल के 9 करोड+ हैप्पी कस्टमर बन चुके हैं। तो ओवरऑल 6000 रुपीज के हिसाब से एक अच्छा पैकेज है अगर आपको इसे चेकआउट करना है। मेरे को ट्राई आउट करना था ये ब्रांड का फोन तो मैंने 6000 रुपीज में मुझे सही लगा तो मैंने उठा के देख लिया। और अगर ऑनलाइन चेक करना है तो ये अमेजोन पर मिल जाएगा आपको 6000 रुपीज पर, तो उसका लिंक जो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में एड ऑन कर दूंगा तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बता देना। बाकी मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।